अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल का हलवा, जिसे टुकड़ी हलवा या फिर चने की दाल की बर्फ़ी भी कहते हैं। तो हम वही बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी, उसको ओवरनाइट भिगो कर रखा था। देखिए ये भीग चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें भीगी हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। ये 1 किलो दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको दूध में भी पका सकते हैं या फिर पानी में भी बना सकते हैं, तो मैं पानी में बना रही हूँ। तो 1 से 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम लीड से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर दाल को गलने देंगे। इसको कुकर में सीटी वगैरह नहीं लेना है और एकदम मैश भी नहीं करना है, वरना आपका हलवा ख़राब हो सकता है, बर्फ़ी बनेगी नहीं सही से। देखिए बस इतना ही हमें दाल को गलाना है कि जब हम उनको उंगलियों से मैश करें तो वो इजीली मैश हो जाए। ये देखिए उंगलियों के दबाते साथ ही दाल हमारी टूट रही है, मतलब दाल हमारी बिल्कुल गल के रेडी हो चुकी है। बस ये कच्ची पक्की नहीं होनी चाहिए, एकदम गली हुई होनी चाहिए। अब ये जो पानी है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, फेंक देंगे और सिर्फ दाल को हम जार में डाल के पीस लेंगे, पानी वगैरह ऐड उसमें नहीं करेंगे। अब ये मैंने 1/2 किलो घी ले लिया है, घी को हल्का सा हम गरम कर लेंगे। देखिए सारी दाल को मैंने पीस लिया है, इतना स्मूथ इसको पीसा है। अब इसमें हम सब डाल देंगे जो हमने पीस के रखी थी दाल। केयरफुली डालना है, घी आप पर उड़ सकता है। तो सारी दाल को मैंने डाल दिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है कंटिन्यू। देखिए जब चने की दाल का हलवा बनाया जाता है तो गैस पर से हटते नहीं हैं, आपको गैस के पास ही खड़े होना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चम्मच को चलाते रहना पड़ता है, वरना दाल नीचे लग जाएगी और हलवा आपका जल जाएगा। तो थोड़े थोड़े टाइम में इसको चलाते रहे, मीडियम फ्लेम रख के फ्लेम को हाई ना करें। इसको पकने के लिए हलवे को 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे तक आपको भूनते रहना है इसको इसी तरह। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है ये हलवा बनाने में, पर ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। स्पेशल इसको शबे बारात में बनाया जाता है। तो देखिए मैंने इसको भूना है, मेरे को घी थोड़ा कम लग रहा था, घी इसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मैंने और घी ऐड किया है। यानी 1 किलो दाल में 1/2 किलो घी का पूरा यूज़ हुआ है, ठीक है 1/2 किलो घी लगा है। तो घी डालने के बाद इसको फिर से हम मिक्स करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं हमारा भूनना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो देखिए दाल हमारी भून चुकी है अच्छी तरीके से, 1 घंटा इसको मैंने भूना है। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी, 2 कप मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं, टेस्ट करके देखेंगे, अगर लगा तो हम इसमें और शक्कर ऐड करेंगे। अब शक्कर को हमें मिक्स कर लेना है। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा सा जो चने की दाल का हलवा है पतला हो जाएगा। देखिए थोड़ा पतला हो गया है, तो शक्कर मैंने टेस्ट की थी, मुझे कम लग रही थी, तो 1/2 कप मैंने और शक्कर इसमें ऐड कर दी है। मतलब 1 किलो हलवे में 1/2 किलो शक्कर और 1/2 किलो घी लगा है हमें बनाने में। अब हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर विदाउट कलर भी बना सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैंने इसमें येलो कलर डाला है। अब इसको हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने शक्कर डाली है वो अच्छे से घुल जाए। और जब शक्कर घुल जाए तो इसको हम और पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए। इसी तरीके से हमें इसको भूनते रहना है, क्योंकि आप जितना भूनोगे उतना ही ये हलवा टेस्टी बनेगा। अगर आप अच्छे से इसको भूनोगे नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। इसीलिए ये हलवा जो होता है चने की दाल का, इसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है तभी ये और टेस्टी बनता है। तो देखिए ये भून कर रेडी हो चुका है, ये इस तरीके से थिक भी हो चुका है और रेडी भी हो चुका है भूनकर। अब एक प्लेट ले लेंगे, आप स्टील की प्लेट ले ले, उस पर अच्छी जमती है ये बर्फ़ी। तो घी से ग्रीस कर ले, पहले प्लेट पर घी लगा ले, उसके बाद में जो हमने ये बर्फ़ी बनाई है इसमें डाल देंगे हम।
अब इसको हम अच्छे से प्लेन कर लेंगे स्पून से या फिर कोई कटोरी की बैक साइड से आप इसको प्लेन कर ले, अच्छी तरीके से शेप दे दे। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से प्लेन कर दिया है। अब इस पर मैं कोकोनट ऐड कर रही हूँ, सूखा हुआ खोपरा है जो घिसा हुआ वो ऐड कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूंगी, काजू और बादाम। आप चाहे तो पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और आप चाहे तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, बट ये बगैर मावे के ही बहुत टेस्टी बनती है। और इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि काजू बादाम और खोपरा अच्छे से इस पर सेट हो जाए। अब हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे, इसको 6 से 7 घंटे रखना पड़ता है सेट होने के लिए, तभी ये सूखती है और सेट होती है। देखिए अभी गर्मी का टाइम है तो इसको 6 से 7 घंटे रखना है, अगर आप ठंडी में बना रहे हैं तो 4 घंटे में ये जम जाती है। तो देखिए बर्फ़ी हमारी एकदम परफेक्ट जम कर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है आप वो शेप में इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको दूध में बना रहे हैं तो आपको इसको फ्रीज में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएगी। और अगर आप पानी में बना रहे हैं तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं डब्बे में, 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसको इस तरीके से कटलियों की शेप में कट कर लूँगी। तो देखिए सारी बर्फ़ी हमारी कट कर रेडी हो चुकी है। अब इसको एक स्पून की हेल्प से आहिस्ते से हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी इजीली हमारी बर्फ़ी जो है निकल रही है, यानी कि ये अच्छे से सेट हुई है। अगर आपकी बर्फ़ी अच्छे से निकल नहीं रही है तो समझिए वो सेट नहीं हुई, उसको और थोड़ी देर पंखे के नीचे आपको रखना है ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। तो देखिए मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़कर बताती हूँ, जो हमने चने की दाल का हलवा बनाया है, देख सकते हैं आप कि कितना मज़ेदार बना है, कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही मज़े का बना था ये। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मैं इसको सर्व करके बताती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो देख सकते हैं आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। हाँ मेहनत ज़्यादा है बट खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी चने की दाल की कटली कैसी बनी थी। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।